कांग्रेस के लिए नए पार्टी अध्यक्ष को चुन पाना एक ऐसी पहेली बन गई है जिसको बड़े बड़े नेता सुलझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से कांग्रेस गांधी और वाड्रा परिवार से खुद को अलग नहीं कर पाएगी, मतलब कि किसी गैर गांधी को पार्टी की कमान नहीं मिलने जा रही, क्योंकि अब पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रियंका वाड्रा के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने कुछ दिनों पहले किसी युवा को पार्टी की जिम्मेदारी देने की बात कही थी, अब वे प्रियंका वाड्रा के पक्ष में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि प्रियंका को कांग्रेस की कमान मिलनी चाहिए, हालांकि इसके लिए वर्किंग कमेटी की मीटिंग और बाकी सारे कर्मकांड किए जाएंगे, तब जाकर प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर मुहर लगेगी। शशि थरूर से लेकर दूसरे कई कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर सिफारिश कर चुके हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा को कमान सौंपने के लिए पार्टी वो सारी औपचारिकताएं पूरी करेगी ताकि सबको ये लगे कि अध्यक्ष का चुनाव पूरी तरह से पार्टी के संविधान के अनुरूप किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश के प्रतापी सीएम कमलनाथ के भांजे इन दिनों कांग्रेस से सबसे हॉट और चर्चित भांजे बन गए हैं। इनके नाम और काम की ख्याति पूरे देश में है। माना जा रहा है कि इस मामले में इन्हें कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। कमलनाथ के भांजे रतुलपुरी कायदे से प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के लपेटे में आ गए हैं। भले ही रतुलपुरी के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में ये दलील दे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, इस वजह से कमलनाथ के भांजे को फंसाया जा रहा है। लेकिन अब आयकर विभाग ने रतुलपुरी के 254 करोड़ रुपए के मूल्य की बेनामी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में उन्हें बतौर रिश्वत दी गई राशि, रतुलपुरी के तार इस घोटाले के आरोपियों से जुड़े होने के पुख्ता सबूत इनकम टैक्स विभाग को मिले हैं। अब कांग्रेस के नेता और उसके वकील लाख इस बात की दलील दें कि मामला राजनीतिक है, लेकिन रतुलपुरी जिस तरह से ईडी के दफ्तर से बहाना बनाकर बच निकले, उससे ही ये साफ हो जाता है कि मामला गड़बड़ है। अगर रतुलपुरी पाक साफ होते तो इस तरह गच्चा देकर नहीं निकलते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में विधानसभा के होने वाले चुनावों के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस और एनसीपी छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला एनसीपी के 3 और कांग्रेस के 1 विधायक का है जो अगले कुछ दिनों में बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इन चारों में से एनसीपी के विधायक शिवेंद्राजे भोसले ने तो पार्टी और विधानसभा दोनों जगह से अपना इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के विधायक कालिदास कोलंबकर ने भी पार्टी और विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। एनसीपी के 2 और विधायक वैभव पिचड़ और संदीप नाइक भी इन दोनों विधायकों के जैसे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इन चारों नेताओं को बीजेपी में शामिल करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मतलब कि चुनावों के पहले शरद पवार और कांग्रेस दोनों पार्टियों में भगदड़ मची है। नेता, विधायक और कार्यकर्ता के पार्टी छोड़ने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। कांग्रेस अब तक अपने लिए एक अध्यक्ष की तलाश नहीं कर पाई है जिससे आने वाले 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। वैसे भी झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र तीनों ही राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन कैसा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस पर संवादहीनता का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के करीबी संजय सिंह ने राज्यसभा और कांग्रेस दोनों की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनकी तैयारी बीजेपी ज्वाइन करने की है। बीजेपी में वे बिना किसी शर्त के शामिल होने जा रहे हैं। संजय सिंह अमेठी में राहुल गांधी के लिए चुनावी जीत का गणित हल करते थे, इस वजह से वे गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह भी कांग्रेस छोड़ने वाली हैं। संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह अमेठी से बीजेपी विधायक हैं। संजय सिंह के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अमेठी में राहुल गांधी की राह तो मुश्किल हो ही गई, साथ ही राज्यसभा में भी उसकी संख्या कम हो गई। ऐसे वक्त में जब बीजेपी राज्यसभा में बहुमत हासिल करने का प्रयास कर रही है, संजय सिंह का इस्तीफा उनके लिए बड़ी बात है, क्योंकि राज्यसभा में 3 तलाक बिल पर बहस चल रही है और कांग्रेस सहित कई दूसरी पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने संजय सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस बात की जानकारी उपसभापति हरिवंश ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।